हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं महाराष्ट्र का श्री डी साई टेम्पल में। मंदिर का अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है, उसलिए ज़्यादा वीडियो कर नहीं पाया। साई मंदिर से अभी हम लोग आया ओल्ड साई नगर में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इधर पे क्या क्या है। साई बाबा जब पहले बार श्री डी में आए थे तब श्री डी एक साधारण गांव था। गांव में जीवन जैसे व्यतीत होता है इस तरह इधर भी जीवन व्यतीत होता था। बाबा जब श्री डी पे आए थे तब श्री डी गांव कैसे थे पूरा गांव का नक्शा आप लोग इधर पे देख पाओगी। तो चलिए आप लोग ये साई नगरी का दृश्य देखते रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग श्री डी में साई बाबा की मंदिर दर्शन करने आओगी तो ज़रूर एक बार ये साई नगरी में विजिट करना, बहुत अच्छा लगेगी। पुराना ज़माने में कैसे गांव थी, साई बाबा कैसे रहती थी, सब कुछ देखने मिलेगी। ओल्ड साई नगर घूमने के बाद हम लोग आया साई तीर्थ में। थीम पार्क है ये एक। इधर का बाहर का जो स्ट्रक्चर है उड़ीसा का कोंकण टेम्पल जैसा बनाया हुआ है। इधर अंदर जाने का पहले इधर पे टिकट काटना पड़ता है, तो हम लोग टिकट काट चुके हैं। हम लोगों का इधर पे 5 तरह का चीज़ देखने को मिलेगा, मूवी, 3D मूवी, साई बाबा की मूवी, बहुत कुछ। चलिए आप लोग हम लोगों के साथ देखते रहिए। अभी हम लोग अंदर में आ चुके हैं, अंदर बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग साई बाबा का मूर्ति के सामने सब लोग मिलके फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद अभी हम लोग जाएंगे साई बाबा की मूवी देखने के लिए। मूवी के टाइम कैमरा अलाउ नहीं है, उसलिए वीडियो कर नहीं पाया। साई बाबा की जीवन चरित मूवी देखना ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर में रामायण देखने के लिए। रामायण भी इधर पे मूवी का जैसे ही दिखाएगी। हमने थोड़ा ही वीडियो किया क्योंकि इधर पे भी ज़्यादा वीडियो फोटो करना अलाउ नहीं है, उसलिए। रामायण देखने के बाद हम लोग और भी एक शो देखा। अभी हम लोग भारत दर्शन करेंगे, भारत का मंदिर, चार धाम, सब कुछ। तो अभी हम लोग ये ट्रेन में उठेंगे और पूरा भारत दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी देखते रहिए हम लोगों के साथ भारत दर्शन। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे दीवार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर।
इस मंदिर का निर्माण श्रीमती दिलबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के द्वार और स्वर्ग द्वार चार धामों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। केदारनाथ में जाकर मिलकर आएंगे। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस बीमारी को कौन नहीं जानता का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो बोले सो और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी प्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ जय जगन्नाथ पूरे विश्व में विख्यात। जय जय जगन्नाथ। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहां दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहां दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं।
करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आ गया है। और इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं। आप लोग सीडी में आओगी तो जरूर ये दो जगह विजिट करना, ओल्ड साई नगर और साई तीर्थ। साई तीर्थ में मैं बहुत कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर में कैमरे अलाउ नहीं थे। रास्ते में ये पड़ा, गन्ने का जूस ऐसे रस निकलते हैं, तो अच्छा लगा वीडियो कर लिया। लास्ट तक मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।